हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का एक और इम्पोर्टेंट पैसेज जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। स्टूडेंट, ये जो पैसेज है आपके सेकंड चैप्टर जिसका नाम है ए फेलो ट्रेवलर, जिसके लेखक हैं एजी गार्डनर, इस चैप्टर से लिया गया है, जो कि अब तक इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, आपको पैसेज जो इम्पोर्टेंट पैसेज हैं एंड इम्पॉर्टेंट जो पोएम्स होती हैं उनको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा। तो इसमें मैं ट्रिक बताऊँगा जिसकी सहायता से आप किसी भी पैसेज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेज। यानी कि आपको दो पैसेज दिए रहेंगे जिसमें से किसी एक पैसेज का आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। कैसे लिखते हैं सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरी जानकारी लेकर पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आधी अधूरी जानकारी आपको ना मिले, पूरी जानकारी मिले। तो देखिए, सबसे पहले समझिए ये पैसेज होता है क्या। तो ये पैसेज कुछ इस प्रकार से है, इतना बड़ा है, ठीक है। पैसेज में क्या क्या लिखा हुआ है, माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, आई लंगड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर, आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड पर्स्ड हिम राउंड द लैम्प, आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेनिंग फेलाइन कनिंग्स, ठीक है, वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टील थिनेस, स्ट्राइकिंग विथ ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस। देखिए ये पैसेज है, अब आप लोग घबराइएगा मत, पहले इस पैसेज को पढ़िए, ठीक है, ये किस चैप्टर से है उसको समझिए, उसके बाद में आप कीजिए का इसका हिंदी निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं निकाल रहा हूँ, माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, यानी कि पर्सनल वैनिटी का मतलब होगा मेरा अहंकार वॉज अराउज्ड, जाग गया मेरा अहंकार, जाग गया। आई लंगड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर, ठीक है, यानी कि मैंने जो है उस पर, मैंने अपने हाथों से और अपने पेपर यानी कि समाचार पत्र से उस पर अचानक आक्रमण किया, ठीक है। आई जम्प्ड ऑन माई ऑन द सीट, यानी कि मैं अपने सीट पर उछला, ठीक है, सीट से जो है मैं अपने सीट पर उछल कर चढ़ गया। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, और जो है चढ़ गया तथा लैम्प के चारों ओर उसका पीछा किया। यानी कि होता क्या है, इसमें जो लेखक है वो किसी मच्छर को, एक मच्छर को मारता है, ठीक है, जो उसका फेलो ट्रेवलर होता है, उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन बाद में उसे छोड़ देता है। देखिए क्या है, आई अडॉप्टेड स्टैटिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा मैंने, इसका मतलब होगा कि मैंने बिल्ली जैसी चालाकी भरी चालों को अपनाया। यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए फेलाइन कनिंग, इसका मतलब बिल्ली की जो चालाकी होती है उसको इन्होंने अपनाया। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, और उसके उतरने का इंतजार करने लगा, ठीक है, कि वो नीचे कब आएगा उसकी प्रतीक्षा करने लगा, ठीक है। ही हैड अलाइटेड, अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टीलनेस, यानी कि जो है बहुत तेजी के साथ जो लेखक हैं उसने उन मच्छर पर आक्रमण किया, ठीक है, फिर भी वह बच गया। तो देखिए ऐसे पैसेज को आपको समझना है, उसके बाद करना क्या है, आपको ये समझना है कि ये किस चैप्टर से है। तो इसके लिए आपको लिखना होता है रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब होता है जैसे हिंदी में आप लिखते हैं संदर्भ, किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो रेफरेंस कैसे लिखेंगे, तो रेफरेंस लिखना भी बहुत ईजी है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि रेफरेंस कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको लिखना है दीज लाइंस, या आप लिख सकते हैं दिस पैसेज, ठीक है, तो दीज लाइंस दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं। तो दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है लेसन का नाम ब्लैक पेन से, समझिए ए फेलो ट्रेवलर, ठीक है, ए फेलो ट्रेवलर, ठीक है। अब देखिए रिटन बाई, अब आपको लिखना है यहाँ पर लेखक का नाम एजी गार्डनर, ठीक है। अब इस रेफरेंस को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, मान लीजिए किसी और चैप्टर से पूछा जाता है तो भी आप इस रेफरेंस को लिख सकते हैं, बट आपको क्या करना होगा, लेसन का नाम और राइटर का नाम चेंज कर देना होगा। देखिए अब हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना होता है पहले इसको समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग, यानी कि इस पैसेज में कहा क्या गया है, लेखक ने क्या बताया है हमें, ठीक है। तो
तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को हम लिख देते हैं, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे इसको समझिए, ठीक है। तो यानी कि कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या लिखना, द मॉस्किटो वाज, द मॉस्किटो वाज ट्रबलिंग द राइटर एंड नॉट अलाउइंग, ठीक है, अलाउइंग हिम टू हैव एनी पीस ऑफ माइंड, ठीक है। सो ही, ठीक है, सो ही ट्राइड टू किल इट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा समझिए, थोड़ा सा मैंने तेजी से लिखा है। तो द मॉस्किटो वाज ट्रबलिंग द राइटर, यानी कि जो मच्छर था वो राइटर को, लेखक को परेशान कर रहा था, लगातार परेशान कर रहा था। और नॉट अलाउइंग मतलब अनुमति देना, हिम टू हैव एनी पीस ऑफ माइंड, यानी कि किसी भी मन के शांति, यानी कि उनके मन को शांति देने की अनुमति नहीं दे रहा था। इसका मतलब होगा कि उसके मन की शांति जो है छीन रहा था, ठीक है। जो मच्छर था वो लेखक के मन को शांत नहीं बैठने दे रहा था और उसे लगातार परेशान कर रहा था। सो ही ट्राइड टू किल इट, इसलिए उसने उसे मारने की कोशिश की। किसने, लेखक ने मच्छर को, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो मच्छर है वो लेखक को परेशान कर रहा था और उनके मन को शांति प्रदान नहीं कर रहा था, ठीक है, इसलिए उन्होंने उसे मारने की कोशिश की, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना होता है, पहले समझिए। तो एक्सप्लेनेशन में कोई खास नहीं, बस आपको सिर्फ ये जो पैसेज है इसको आपने पढ़ा, इसका हिंदी मीनिंग निकाला, अब इसी के अपनी तरफ से जो है वर्ड्स को अच्छे से जो है सेंटेंस के रूप में बनाकर ठीक अच्छे से लिखना होगा, अर्थ ना बदले और आप जो है उसे लिख सकें। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है सेम वही चीज़ें हैं, द राइटर्स प्राइड वाज ट्रबलिंग हर्ट, ठीक है, यानी कि जो राइटर का घमंड था, अहंकार था, वो अब आघात, उस पर आघात पहुँचा रहा था। कौन, जो मच्छर है, ठीक है, आघात हो रहा था। बिकॉज, क्योंकि एन इंसेक्ट हैज ट्राइड टू बाइट हिम, एक कीड़ा जो है उन्हें काटने की कोशिश कर रहा था, एक जो इंसेक्ट है, कीट है, ठीक है, वह उन पर आक्रमण कर रहा था। जैसा कि आपको पता है ही स्प्रैंग एट इट, देखिए ही स्प्रैंग एट इट, ठीक है, यानी कि वह उस पर उछला, कौन, लेखक मच्छर पर, ठीक है। ही ट्राइड टू स्ट्राइक इट, यानी कि वह उसे स्ट्राइक इट विथ हिज हैंड एंड पेपर, उसने अपने हाथ और कागज से उसे मारने की कोशिश की, देखिए ट्राइड कोशिश की, टू स्ट्राइक मारने की, विथ हिज हैंड अपने हाथ से और पेपर से, ठीक है, तो वह उसे अपने हाथ और पेपर से मारने की कोशिश की। द मॉस्किटो बेंट अप टू द लाइट, और जो मच्छर है वो लाइट की तरफ चला गया, ठीक है, लाइट पर चढ़ गया। द राइटर जंप्ड ऑन हिज सीट, जो लेखक हैं वो अपने सीट पर उछले, एंड चेज्ड इट, और उसका पीछा किया, एंड ट्राइड वेरियस स्टैटिक्स, और विभिन्न प्रकार की कोशिश उन्होंने की, विभिन्न प्रकार का प्रयास किया। ही हैड कैट लाइक कनिंगनेस, यानी कि उसने जो है बिल्ली की तरह चालाकी करने की भी कोशिश की, ठीक है। कैट लाइक मतलब बिल्ली की तरह, कनिंगनेस मतलब चालाकी, तो उसने बिल्ली की तरह चालाकी करने की भी कोशिश की। ही वेटेड टिल इट गॉट डाउन, उसने, जो लेखक हैं, उसने मच्छर के नीचे उतरने का भी इंतजार किया। ही टू स्टीथली गॉट अप्रोच्ड इट एंड देन अटैक्ड इट वाट स्विफ्टनेस, और किया क्या, उसने भी चुपके से उस पर जो है तेजी के साथ आक्रमण कर दिया लेखक ने, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी पैसेज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दो चीज़ें इसमें याद रखिएगा, एक तो आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसमें, और पैसेज के हिसाब से आपको लिखना होगा एक्सप्लेनेशन। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ऐसे मैं कई पैसेज आपको बता चुका हूँ और अभी भी मैं आपको कई पैसेज बताऊँगा, तो जो इंपॉर्टेंट है, तो इस चैनल से लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दें।